गठबंधन सरकार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दुमका में स्थायीकरण और बकाये वेतन का भुगतान करने की मांग को लेकर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा वादा पूरा करो कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम दुमका के खिजुरिया स्थित विधायक बसंत सोरेन और विधायक सीता सोरेन के आवास के सामने किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों पारा से उपस्थित होकर सरकार से अपनी मांग को पूरा करने की मांग की। पूरे राज्य में करीब 65,000 पारा शिक्षक हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। तत्कालीन रघुवर की सरकार में प्रदर्शन के दौरान इन्हें लाठियां भी खानी पड़ी थी, जबकि तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लोइस मरांडी के आवास में धरना प्रदर्शन के दौरान ठंड से एक पारा शिक्षक की मौत भी हो गई थी। दुमका में स्थायी हम लोग जो है पिछला दिवाज पत्थलवाज 1000 पारा टीचर ने निर्णय लिया कि रघुवर दास सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए हम लोग जो है आज जो है माननीय विधायक जो सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं उनके आवास पे है कि वादा पूरा करो, क्योंकि एक वर्ष बीत गया लेकिन उस दिशा में जो है एक भी पहल हम लोग को दिखा नहीं है। हम लोग को लगा कि हमारी जो मांग है अस्थायीकरण और वेतन मान, हमारे लगभग 3000 पारा शिक्षक को पिछले एक साल से मानदेय नहीं मिला है। हम लोग लगातार इसके विषय में भी सरकार को सूचना देने का काम किए हैं, हम लोग मांग पत्र दिए हैं लेकिन इस दिशा में भी काम नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं जो 22 माह से वैसे पारा शिक्षक जो अप्रशिक्षित रह गए हैं कोई कारणवश से, उनका जो है मानदेय उपलब्ध नहीं हुआ। वो आज स्कूल भी जा रहे हैं लेकिन उनको मानदेय उपलब्ध नहीं है, उनका मानदेय तत्काल जो है निर्गत किया जाए। और अस्थायीकरण की बात जो पिछला सरकार ने किया है कि जैसे अस्थायी हमारी सरकार बनती है 3 माह से मैं आप लोग को। और जहाँ तक बात है कि मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे इस बारे में, जो जिनका वेतन रुका हुआ है उनको वेतन मिले, क्योंकि कोरोना काल में तो सभी का जो है कि देखिए देखी लिए हैं कि किस तरह से, ठीक है संकट है, वित्तीय संकट भी है लेकिन पारा टीचर सबको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका जो है कि रोजी रोटी कमाई करते हैं और घर चलता है इसी तरह है इनका, तो इनको तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसमें खुद ये लोग 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के आए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर है कि गंभीर मुख्यमंत्री हैं तो गंभीरता से ज़रूर लेंगे। और मैं भी यहाँ से लौटने के बाद एक बार ज़रूर पूछूंगा, जानकारी लूंगा कि कैसे है, क्या समस्या है, क्या चीज़ें, कब पहल हो रही है इस पर, और मेरा प्रयास होगा कि जितनी जल्दी हो सके इनकी समस्याओं का समाधान हो।